हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले एसी का वायरिंग के बारे में, जो बहुत ही कम सामान और कम वायर में ही हमने किया है और आपको दिखाना चाहते हैं कि बहुत कम से भी कैसे किया जा सकता है। तो आप इसे देखने के लिए वीडियो में बने रहे और लास्ट तक वीडियो को वॉच करते रहे। तो आइए वीडियो में मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं, हमने एसी वायरिंग के लिए हमने कुछ सामान मंगाया, जैसे कि एक बोर्ड है जिसमें 15 एम्पीयर का एक सॉकेट लगा हुआ है 6x4 का, और ये एक एमसीबी का बॉक्स है, और ये है 25 एम्पीयर का रियो का एमसीबी जो हम फेस को सिर्फ कट करेंगे, और ये है अपना 2.5 का वायर जो 2 मीटर का टुकड़ा है, और ये एक 6x4 का बोर्ड जो हम ये लगभग इस दीवार के कोने में लगाने वाले हैं, अरे एसी अरे एमसीबी से लाइन देंगे। तो ये जो है हम लोग का बोर्ड है, ये इस तरह से काम करेगा, जैसे फेस कटेगा और न्यूट्रल डायरेक्ट रहेगा, तो उसमें के लिए एक एमसीबी लगेगा और नीचे से एक तो जो है हम लोग वायर देंगे फेस कटिंग करने के लिए। तो देखते हैं बोर्ड कैसे लगने का बाद। ये हमने बोर्ड लगा दिया है, कनेक्शन नहीं किया, बोर्ड सिर्फ लगा दिया, एमसीबी ऑन करेंगे और ये सॉकेट के राइट में लाइन आएगा, और ये इसका टॉप है जो यहाँ पर लगा के हम ऑन करेंगे। तो ये बोर्ड में देखिए जोड़ दिए हैं हमने, ब्लैक वायर जोड़ दिए हैं, अब फेस जोड़ना बाकी है, फेस भी जुड़ाई हो जाएगा अभी तुरंत ही। और देखिए तब तक हम आपको दिखाते हैं एसी, ये हमने जोड़ दिया है, मेन लाइन चालू हो गया है, बस इसको बस टेस्ट करना है। टेस्टर लगा के हमने चेक कर लिया, फेस सही आ रहा है, तो हम लोग का काम लगभग का तो हो गया है। एसी वाला अपना कंप्रेसर फिट कर रहा है, तो तब तक के लिए हम लोग उसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। वायर देखिए कितना लंबा झूल रहा है, हम लोग का तो काम हो गया, उसका कंप्रेसर फिट हो रहा है, तो बोर्ड तब तक देख लीजिए। चलिए आइए हम आपको बाहर में दिखाते हैं, कंप्रेसर लग भी चुका है, एक देखिए कंप्रेसर लग गया है, सब ओके हो गया है। अब देखिए अंदर हम लोग ऑन हो गया है, देखिए एसी ऑन कर दिखा रहा है, 24 ऑन है, और यहाँ देख सकते हैं चालू में आपका दिखा रहा है, लाइन ऑन है। यहाँ से दो वायर लेके हम फील्ड भी कर रहा है, काम भी कर रहा है, हम लोग का वायरिंग कैसा लगा शॉर्टकट में, बगल में एमसीबी वहीं से लाइन लेके हम लोग 2 मीटर टुकड़ा तार में काम कर दिए, जुगाड़ से बोर्ड और एक एमसीबी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना फॉलो करना ना भूलिए।